नमस्कार, मैं हूं विनय भट्ट और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। आज हमारे साथ उत्तराखंड की खास शख्सियत मौजूद हैं जो आयसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, साथ में भाकपा माले के वर्तमान में गढ़वाल सचिव हैं। इसके साथ साथ वे गढ़वाल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर भी रहे। आज हम उनसे प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर खास चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे इंद्रजीत जी से। इंद्रजीत जी, जब आप 90 के दशक में उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो वर्तमान का उत्तराखंड और उस दौर में जो आप लोगों ने सपने देखे थे, क्या वो सपने आज पूरे हो पाए हैं? देखिए, उत्तराखंड आंदोलन खासतौर पर उसका 1994 वाला जो फेज़ है, तो एक तरह से उस आंदोलन में लोग ये मान करके चल रहे थे कि उत्तराखंड सब सवालों का जवाब होगा, यानी सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, जो भी सवाल है, पलायन, उन सारे सवालों के लिए एक तरह से रामबाण औषधि था, जादू की छड़ी राज्य था। राज्य बनने के 21 सालों के बाद हम देख रहे हैं जो हालात हमारे सामने हैं कि राज्य बना, उसमें सरकारें आईं और गईं, और ये सारे सवाल आज उससे ज़्यादा विकराल रूप में, उससे ज़्यादा विकट रूप में हमारे सामने खड़े हैं। ख़ासतौर पर पलायन अगर हम देखें तो वो तो उत्तर प्रदेश के ज़माने में जितना था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के ज़माने में गांव भुतहा नहीं थे, गांव वीरान नहीं थे, तारा नहीं लगा हुआ। आज के दिन पर अस्पतालों में ये हालत है कि डॉक्टर नहीं है, सारे अस्पताल रेफरल हॉस्पिटल से, स्कूल तकरीबन 3,000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए जा चुके हैं। तो एक तरह से ये जो हालात हैं, ये उस राज्य का जो सपना था उसके धराशायी होने, उसके ध्वस्त होने का राज्य है। इंद्रेश जी, मैं बात करूं, लगातार जब उत्तराखंड था, जब उत्तर प्रदेश के टाइम हम उत्तर प्रदेश में थे, तब भी बेरोजगारी थी। आज भी लगातार साल दर साल बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, बेरोजगारी का जो सवाल है वो सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ जब पिछली बार 7वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार ने कमेटी बनाई, तो उस कमेटी ने कहा कि 65,000 के आसपास पद खाली हैं, और लेकिन उसी कमेटी ने ये संस्तुति की कि उन पदों को भरना नहीं है। और तब से सरकारों की नीति है कि रोज़गार नहीं देना है, कम से कम उन लोगों को रोज़गार देना है, ठेके का रोज़गार देना है। तो ये जो रोज़गार विहीन विकास का मॉडल है वो पूरे देश में है, और उत्तराखंड में ख़ास तौर पर यहाँ अगर किसी को रोज़गार मिला तो 70-71 विधायकों को, क्योंकि 71वां भी एक एंग्लो इंडियन विधायक होता है, तो एक एंग्लो इंडियन जो धन संपन्न है उसको भी रोज़गार मिला, 70 विधायकों को रोज़गार मिला। 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का रोज़गार है, लेकिन आम जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोज़गार का रास्ता उसके लिए खुले, उसे रोज़गार मिले, ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, उनकी नीतियों में नहीं है। इसलिए रोज़गार सृजन उनका कोई उपाय, उनका कोई एजेंडा नहीं है। और इसीलिए देखिए तो इस सरकार ने भी जब नए मुख्यमंत्री बने, तीसरे मुख्यमंत्री, तीसरा रोजगार सृजन हुआ, तो तीसरे मुख्यमंत्री की घोषणा अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि हमने जो है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स हैं, रोजगार कार्यालय हैं, उनको आउटसोर्स एजेंसी बना दिया है। तो ये उपलब्धि है कि ठेके का रोज़गार देना उपलब्धि है। हमने 25,000 नियुक्तियां करने की घोषणा की। 2 साल पहले त्रिवेंद्र रावत जी भी कह रहे थे कि रोजगार वर्ष है और इसलिए 25,000 नियुक्तियां होंगी। 2 साल पहले भी 25,000 हो रही थी, अभी भी 25,000 हो रही हैं। पिछले 4-4.5 साल में 2016 के बाद यहाँ PCS का एग्ज़ाम नहीं हुआ अगर आप देखें तो, अब जा करके वो होने जा रहा है। उसमें भी लोगों ने जब सवाल उठाया तब SDM के पद शामिल किए गए। तो इस तरह से जो सरकार की नीति है, एक तरह से वो बेरोजगारों को रोज़गार नहीं देना है, उनको अर्ध बेरोजगार बनाना है, यानी उनको ठेके पर रखना है, संविदा पर रखना है, आउटसोर्सिंग के जरिए रखना है, लेकिन स्थायी और नियमित रोज़गार नहीं देना है। तो ये दरअसल जो राज्य के आंदोलन में भी लोगों की आकांक्षा थी कि रोज़गार का सवाल हल होगा, तो ये सरकारों की नीतियों के चलते नहीं हो पा रहा। इंद्रजीत जी, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड आंदोलन था, वो युवाओं ने उनको उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के युवा भू कानून को लेके अपनी बात कर रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं युवा आगे बढ़कर भू कानून के लिए बात कर रहे हैं, तो किस तरह से इस भू कानून का देख रहे हैं प्रदेश के हित में? देखिए, भू कानून का मसला असल में तो राज्य आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल भी है। राज्य के आंदोलन में भी हम कह रहे थे कि सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि जल पर भी, जंगल पर भी लोगों का अधिकार होना चाहिए, यह अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो लेकिन ये नहीं किया गया, और इस राज्य में ज़मीन का जो कानून बना, तो हमारे यहाँ जो कानून है वो उत्तर प्रदेश के ज़माने का कानून है, उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, वो यहाँ लागू है। लेकिन
2002 में इसमें तिवारी जी एक संशोधन लेकर के आए, 2007 में खंडूड़ी जी के ज़माने में संशोधन हुआ। हालांकि उसमें इतने लूप होल्स थे कि ज़मीनों का बिकना निर्बाध रूप से जारी रहा, तब भी ज़मीनों का बिकना रुका नहीं। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो संशोधन उस उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम में किया वो तो अपने आप में अभूतपूर्व है। पहली बार देश में किसी राज्य में ऐसा कानून बना कि ज़मीन खरीदने बेचने पर सारी बंदिशें हटा दी गई। उन्होंने उसमें 143 में 143 का जोड़ा 143 का और ये कर दिया कि ज़मीन का भू उपयोग नहीं बदलवाना पड़ेगा, और 154 में एक और सेक्शन जोड़ करके ये कर दिया कि ज़मीन की जो सीलिंग थी जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में 12.5 एकड़ थी उसको ख़त्म कर दिया। ये कह दिया कि औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कोई भी कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है, ऐसा किसी हिमालयी राज्य में नहीं है। तो ये इसका एक पहलू है। लेकिन इसका एक दूसरा जो पहलू है कि ये कानून किसने बदलवाया? भाजपा की सरकार ने। ज़मीनों की खुली लूट का रास्ता किसने खोला? भाजपा की इसी सरकार के पहले मुख्यमंत्री ने, तीसरे हैं। लेकिन आज के दिन पर भाजपा वाले भी इस मुद्दे को उठा करके सामने आ रहे हैं और वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इसके ज़रिए करना चाहते हैं। तो मेरा जो नौजवान लोग इस लड़ाई में शामिल हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि निश्चित ही इस प्रदेश की ज़मीनें बचनी चाहिए, लोगों को उनकी ज़मीनों पर अधिकार मिलना चाहिए, निर्बाध बिक्री पर रोक लगनी चाहिए, ये एकदम सही बात है। लेकिन किसी भी कीमत पर भाजपा को इसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का मौका इसके ज़रिए नहीं मिलना चाहिए। इसके ज़रिए जो भाजपा अपने धार्मिक विभाजन की राजनीति चलाना चाहती है उस राजनीति को ध्वस्त किया जाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। इंद्रजीत जी, हम एक चीज़ देखते भी आ रहे हैं कि लगातार जो मुख्य पार्टी रही राज्य आंदोलन के दौरान जो उत्तराखंड क्रांति दल, वो लगातार हाशिए पे जा ही रही है। लगातार जितने वर्षों में चुनाव हुए लगातार उसकी सीटें भी जाती रही। इसके साथ साथ भाजपा और कांग्रेस भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक दौर में भाजपा सरकार में रहती है, दूसरे दौर में कांग्रेस सरकार में रहती है, तो किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों का? देखिए, इस राज्य में दरअसल ये तो सही बात है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच के फुटबॉल ये राज्य बना हुआ है, और जो भी राज्य में कोई और फोर्स आ रही है तो वो भाजपा कांग्रेस के ही दायरे में चीज़ों को सोच समझ रही है। या भाजपा कांग्रेस पर आपने नाम लिया क्षेत्रीय दल का भी, तो भाजपा कांग्रेस के साथ जो उनकी निर्भरता रही वो भी एक दिक्कत है। या अभी जो और लोग आ रहे हैं तो उनकी भी जो हालत है कि उनको भी चाहिए वैकल्पिक राजनीति की बात में भी भाजपा कांग्रेस से छूटे पीटे रिजेक्टेड डिजेक्टेड लोग जिनकी वहाँ पूछ नहीं हो रही है वो लोग उनको चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग तो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि इस राज्य को दरअसल कोई अगर इस राज्य के भीतर कोई विकल्प खड़ा होना है, ये आंदोलनों से बना हुआ राज्य है और हमारे यहाँ सिर्फ राज्य आंदोलन से नहीं बना बल्कि सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, विश्वविद्यालय जो कुछ भी बना वो आंदोलनों से बना। तो इस राज्य को दरअसल सड़क के आंदोलनों के विकल्प की ज़रूरत है, आंदोलनों के मोर्चे की ज़रूरत है। आंदोलनों संघर्षों का मोर्चा बनेगा तो वही इस राज्य में विकल्प कायम कर पाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक तो ये स्थितियों में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस भाजपा के लोग ही इधर उधर जाकर के कुछ एडजस्टमेंट उनका होता रहेगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो आंदोलनों संघर्षों का मोर्चा ही इस राज्य के लिए कोई विकल्प खड़ा कर सकता है। इंद्रजीत जी, तस्वीरें आज भी वही हैं जो उत्तर प्रदेश के समय में थी। आज भी पहाड़ के लोग दिल्ली देहरादून के लिए जाते हैं जब उनकी तबीयतें खराब होती हैं, क्या कारण देख रहे हैं? क्या इच्छा शक्ति कमी है जो पहाड़ के जो दूर दराज के गाँव में हैं वहाँ अस्पताल आज भी नहीं है, और डंडी कंडियों में लोग आज भी मजबूर हैं इधर उधर जाने के लिए? देखिए, अस्पतालों की हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ अस्पताल का नाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसका नाम ज़िला अस्पताल हो, उसका नाम बेस अस्पताल हो, उसका नाम मेडिकल कॉलेज हो, वो अगर कोई काम सबसे कुशलतापूर्वक करता है तो वो मरीज़ों को आगे रेफ़र करने का काम करता है। अगर आप औसत निकाल के देखें, पिछले 2-1 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि एवरेज अगर निकाला जाए तो हर महीने तकरीबन 1 गर्भवती स्त्री की मौत राज्य के किसी न किसी हिस्से में होती है इलाज की प्रक्रिया के दौरान। ये राज्य की हालत है। राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की ये स्थिति है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है 2019 की, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तराखंड जो है वो लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है, वन ऑफ द लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, यानी कि सबसे कम प्रदर्शनकारी राज्य है स्वास्थ्य के मामले में, ये केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। ऐसी बहुत सारी और रिपोर्ट्स हैं जो कि राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करती हैं। हाल में CAG की रिपोर्ट 1 मार्च के महीने में आई है, वो भी बताती है कि किस तरह से अस्पतालों की हालत हमारे यहाँ खस्ता है। तो दरअसल हमारे यहाँ जो लोग सत्ता में आ रहे हैं वो न तो किसी जनता के मुद्दों के आधार पर सत्ता में पहुँच रहे हैं, और सत्ता में पहुँचने के बाद भी उनके लिए जनता के मुद्दे एजेंडा नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य जैसा सवाल भी
एकदम सारे पहाड़ के अस्पताल खाली हैं, धीरे धीरे करके वो खाली होते जाते हैं, रेफरल अस्पताल बनते जाते हैं। तो ये सरकारों की जो एक तरह से नीतिहीनता है अस्पतालों को लेकर के, या उनका कोई कमिटमेंट, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि अस्पतालों में लोगों को डॉक्टर उपलब्ध कराना है। और पलायन के बड़े कारणों में से ये एक है। पलायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें उसने 8% से ज़्यादा लोगों को, उसने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से 8% से ज़्यादा लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, ये स्थिति है। तो ये स्थिति सरकारों की, उनकी प्राथमिकताएं चूँकि ये नहीं है, स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता नहीं है, शिक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं, रोज़गार उनकी प्राथमिकता नहीं, उसके चलते ही ये बदहाल स्थितियाँ पैदा हुई। इंद्रजीत जी, हमने इस कार्य भाजपा के इस कार्यकाल में देखा, 3-3 मुख्यमंत्री प्रदेश में बदल दिए गए, तो किस तरह से देखिए कि आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये राज्य हित में था, किस प्रकार से भाजपा की नीति थी? देखिए, मोदी जी 2017 में जब चुनाव प्रचार में आए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के इंजन के साथ देहरादून का इंजन जोड़िए और देखिए कि कितना विकास होगा। और विकास तो ये हुआ कि 3 साल में 3 मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं 4 साल के भीतर। तो ये जो, लेकिन ये इस बात को भी दिखाता है कि उनके मुख्यमंत्री जो है डिलीवर करने में नाकामयाब रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पहले तो इस राज्य से माफ़ी मांगें, जनता से माफ़ी मांगें कि वो इस राज्य को कोई सक्षम नेतृत्व नहीं दे पाए। उनके नाम पर लोग जीत करके चले गए और अक्षम नेताओं की एक पूरी फौज जीती जिसने इस राज्य को पिछले 4-4.5 सालों में एकदम तबाह करने का काम किया, जिसने इस राज्य के भीतर जनता के सवालों को हल करने के बजाय उनके आपसी झगड़े हल नहीं हुए, उनके आपसी लड़ाइयां हल नहीं होती रही, आज भी आपसी लड़ाइयां कायम है। आप देखिए तो मंत्री जो उस दौर में रहे वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि क्या हालात हैं। तो एक तरह से ये इस राज्य के साथ बड़ा छल मोदी जी के नाम पर हुआ, ये मैं कहना चाहता हूँ। इंद्रजीत जी, हम देख रहे हैं पहले ऑल वेदर रोड सड़क का नाम था, उसके बाद चार धाम सड़क परियोजना इस सड़क का नाम हुआ। आज जगह जगह, चाहे वो चमोली हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, ये सड़कें दरक रही हैं। और जिस रोड को 24 घंटे खुला रहना था वो 24, 48 और 8 दिन तक ये रोड बंद रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये सड़क जिस तरह से सरकार ने इसके बारे में घोषणा की, इसको ऑल वेदर रोड कहा गया, फिर जैसा आप कह रहे हैं कि अचानक एक दिन वो सारे बोर्ड पोत दिए गए, फिर इसका नाम चार धाम प्रोजेक्ट हो गया। और पहले दिन से सरकारों ने ये सुनिश्चित कर दिया कि इस सड़क को बनाने में किसी कायदे कानून नियम का पालन नहीं करना है। इस सड़क को बनाने में जो अनिवार्य होता है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाता है, यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, इतना बड़ा परियोजना बनाने पर पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव होगा, इसका आकलन कराने का कानून है, अनिवार्य कानून है। सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उस कानून से बचने के लिए 890 किलोमीटर की इस परियोजना को एक परियोजना न मानते हुए उसको 100 किलोमीटर से कम के 53 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और इसलिए पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं कराया गया। तो आपने पर्यावरण पर उसके प्रभाव का आकलन नहीं कराया, तो आकलन नहीं किया, प्रभाव तो दिखाई दे रहा है। सड़क जिस तकनीक से सड़क बनाई जा रही है, जिस तरह से बेतहाशा केवल पहाड़ को काट करके और सारा मलबा नदियों में फेंका जा रहा है, उसकी कीमत पहाड़ चुका रहा है, उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। और सिर्फ 8-8 दिन तक नहीं, आखिरी में जब एक्सपर्ट कमेटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, उस विशेषज्ञ कमेटी ने एकमत होकर के कहा कि ये सड़क बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से और अनसाइंटिफिक तरीके से, यानी कि अनियोजित और अवैज्ञानिक तरीके से बनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब ये कहा गया कि नहीं, सड़क की एक केंद्र सरकार का जो सड़क परिवहन मंत्रालय का शासनादेश है हिमालयी राज्यों के लिए, उसके अनुरूप ही सड़क काटी जानी चाहिए, उससे ज़्यादा चौड़ी नहीं काटी जानी चाहिए, तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसने डिफेंस का हवाला दिया, रक्षा का हवाला दिया कि बॉर्डर पर चीज़ें पहुंचानी, इसलिए सड़क अत्यधिक काटना बहुत ज़रूरी है, 12 मीटर करीब काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिफेंस के हवाले में आप देखें कि 17 दिन तक मलारी में सड़क बंद रही, बॉर्डर एकदम कटा रहा। तो ये जो हालात हैं, ये सरकार की जो नीति है, जो सिर्फ कुछ ठेकेदारों को, बड़े ठेकेदारों को मुनाफा देने की कोशिश है, उसके अलावा इस सड़क से किसी को कोई ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। और सड़क जितना सरकार कह रही है, आप देखिए कि हमारा जो भूगोल है ये हिमालय जैसा है, ये हिमालय बनता हुआ पहाड़ है, ये बना हुआ पहाड़ नहीं, बनता हुआ। तो ये क्योंकि बनता हुआ पहाड़ है इसलिए कमज़ोर है, ये मजबूत नहीं है। और इसलिए सड़क तो सरकार जितना कह रही है उतना चौड़ा नहीं होगी, जहाँ सड़क काट दी गई है वहाँ उसका आधा हिस्सा नीचे नदी में समा चुका है। ऐसे कई सारे भूस्खलन के जोन पैदा कर दिए गए हैं जो पहले नहीं थे।
हम यहीं श्रीनगर के पास ही चंधार एक उदाहरण है कि वो लगातार उसका स्ट्रेच बढ़ता जा रहा है। पिछली बार जब मैं आया तो उसका स्ट्रेच जितना था, अब की बार वो उससे ज़्यादा चौड़ा हो गया है। तो भूस्खलन के नए जोन्स, पहले एक आध भूस्खलन के जोन थे सिरोबगड़, बचपन से हम सुनते आए थे, लेकिन अभी सिरोबगड़ों की एक श्रृंखला है जो गढ़वाल और कुमाऊँ सब जगह पैदा कर दी गई। तो ये पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करके जो सड़क बनाई जा रही है उसका खुलेआम उल्लंघन करके और यहाँ की जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है उसको ध्यान में रखे बगैर जो सड़क बनाई जा रही है, तो उसके नतीजे के तौर पर हम ये नुकसान झेल रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जो ऐसा कर रहे हैं उनको ये नुकसान नहीं झेलना है, नुकसान हमको झेलना है, यहाँ के आम लोगों को झेलना है, सारी मार उन पर पड़ रही है। 2022 का चुनाव भी नज़दीक है और आप भाकपा माले में गढ़वाल में एक अच्छे पद पे भी हैं, तो क्या 2022 के चुनाव में भाकपा माले किस प्रकार से रणनीति बना रही है? देखिए, हमारी पार्टी भाकपा माले और इसके अलावा यहाँ जो प्रदेश में बाकी वामपंथी पार्टियाँ हैं CPI और CPM, भाकपा और माकपा, हम लोग इस चुनाव में मिल करके जाएंगे और हम बीते 5 सालों में जनता के तमाम सवालों पर सड़क पर खड़े होकर के लड़ते रहे हैं। हमारी जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ पिछले 5 सालों में नहीं बल्कि हमेशा से ही कम्युनिस्ट पार्टियों का ये इतिहास है कि वो जनता के सवालों पर लगातार लड़ते बोलते संघर्ष करते रहे हैं, लाठी खाते रहे हैं, जेल जाते रहे हैं। तो उन संघर्षों के आधार पर ही चुनाव में हम लोग जाएंगे और वामपंथी पार्टियां कम से कम साझे तौर पर ये कोशिश करेंगे कि इस प्रदेश के भीतर जो भी इस तरह के समान विचारधारा वाले दल हो सकते हैं उन सबको भी साझा तौर पर इस लड़ाई में उतारा जाए, ये हमारी कोशिश है। भाजपा कांग्रेस के अतिरिक्त एक तीसरे विकल्प की बात भी की जाती है प्रदेश में कि भाई तीसरा विकल्प होगा और वो सरकार बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या भाकपा माले भी तैयार है तीसरे विकल्प में शामिल होने के लिए? देखिए, हम तो इस समय ये समझते हैं कि सत्ता के भीतर की जो लड़ाई है वो तो है और सत्ता को हथियाने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त जोड़ तोड़ तिकड़मबाजी सब शुरू हो गई, तो वो एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो एक तरह से बहुत ही सिद्धांतहीनता की स्थिति है। तो इसके बीच में हम समझते हैं कि विधानसभा के भीतर जनता की आवाज़ और जनता के सवालों को लड़ने वाला, सड़क से लेकर के विधानसभा तक उठाने वाला एक जुझारू विपक्ष चाहिए, सत्ता की जोड़ तोड़ में जो शामिल नहीं है, तो उस जुझारू विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हम तैयार हैं। हम निश्चित ही उस क्रांतिकारी विपक्ष, जुझारू विपक्ष, संघर्ष के विपक्ष का निर्माण करने के लिए विधानसभा के भीतर जाना चाहते हैं। इंद्रजीत जी, हम देख रहे हैं 10 साल रहे उत्तराखंड के, तो देख रहे हैं हम कि भाजपा के जो लोग हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक भाजपा में जा रहे हैं, उन चीज़ों किस तरह से देख रहे हैं? राज्य ये चीज़ें राज्य हित में हैं कि राज्य अहित? देखिए, ये तो उन लोगों के ही हित में है जो इधर उधर जा रहे हैं, वो अपनी सत्ता सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। एक तरह से चरम सिद्धांतहीनता की स्थिति में राज्य है। आज का कांग्रेसी कल का भाजपाई है, कल का भाजपाई परसों का कांग्रेसी है, ये इस राज्य के भीतर या तीसरी पार्टी में वो शामिल है। तो ये जो सिद्धांतहीनता है अंततः ये कुछ लोगों की सत्ता की लालसा, सत्ता की लिप्सा को पूरा कर सकती है, लेकिन इस राज्य का कोई हित इस पूरी प्रक्रिया में नहीं होने जा रहा है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जिनको आप राज्य के हित में चुन करके भेज रहे हैं वो अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, जिसमें किसी विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, किसी सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है, किसी उसूल का कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो किसी भी तिकड़म के जरिए खुद को सत्ता में बनाए रखना, खुद को सत्ता में बिठाए रखना, इसके अलावा इसका कोई दूसरा आधार नहीं है। और ऐसी सिद्धांतहीनता, ऐसी नीतिगत अराजकता और इस तरह से ऐसे लोगों का जीतना जो पूरी तरह से सिद्धांत विहीन हो, वो अंततः राज्य को नुकसान पहुंचाएगा, राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इंद्रजीत जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत उत्तर प्रदेश के ज़माने से मंत्री रहे, भाजपा में रहते हैं तब भी मंत्री रहते हैं, कांग्रेस में रहते हैं तब भी मंत्री रहते हैं, जब वो मंत्री पद में रहते हैं उन कार्यों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वो तो कार्य क्या है, कार्य तो कुछ भी नहीं है, कार्य दिखाने को तो उनके पास कुछ नहीं है। कार्य दिखाने के लिए हर कार्यकाल में, वो कांग्रेस में हों, वो BJP में रहे हों, उनका हर कार्यकाल विवादास्पद कार्यकाल है। इस समय भी जो श्रम सन्निर्माण बोर्ड है, अगर आप उस बोर्ड में जिस तरह के घपले, जिस तरह के घोटाले हुए हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। और उसके अलावा भी अगर इस बात की जांच हो कि भाई उत्तर प्रदेश में जब वो पहली बार मंत्री बने थे तब उनकी परिसंपत्तियां कितनी थी घोषित और अघोषित, और आज कितनी है, इसकी जांच हो तो समझ में आ जाएगा इतने सालों में किसके पक्ष में वो खड़े रहे।
तो निश्चित ही ये कुल मिलाकर के कितना बेबाक दिखने की कोशिश करें, कितना ऐसा लगता है कि बहुत मुँहफट तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने राजनीतिक कैलकुलेशन के साथ ही बात करते हैं। अपनी राजनीति को, अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले लोगों में से वो हैं, एक तरह से उनके अगवा उनको कहा जा सकता है। और एक बात इसमें जब ये सवाल आया है तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी दो दिन पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरह की बातें कही पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ में, तो ये तो कांग्रेस बीजेपी के बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग है ये अपनी तरह की बात है, लेकिन उसमें जैसा वो कह रहे हैं कि भाई मैंने फाइल जाकर के अजय भट्ट को दिखाई, मैंने फाइल जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाई, तो मंत्री के रूप में जो पद और गोपनीयता की शपथ ली, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मंत्री के रूप में ये उस शपथ का उल्लंघन है और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने मुंह से उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने फाइल किसी को जाकर के दिखाई। पद और गोपनीयता की शपथ व्यक्ति लेता है तो वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध होता है कि वो गोपनीय दस्तावेजों को, सरकारी दस्तावेजों को किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति को नहीं दिखाएगा ये शपथ लेते हुए, तो इस पद और गोपनीयता की शपथ भंग करने के लिए उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्री पद से। इंद्रेश जी, एक फिर एक लास्ट सवाल जहन में गूंजा है, भाजपा में वर्तमान में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कांग्रेस में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। आज दिल्ली से हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल को दिल्ली बुला दिया गया है, इन चीज़ों को किस प्रकार से देख रहे हैं आप राज्य के उसमें? देखिए, ये सारे लोग जो है भाजपा के भीतर जो चल रहा है, कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है, इन सारे लोगों का राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राज्य से कोई लेना देना होता तो राज्य ऐसी बदहाल स्थिति में नहीं होता। बीते 21 सालों में इन्हीं की तो अदल बदल करके सरकारें आती रहीं, लेकिन कुल मिलाकर के कौन मुख्यमंत्री बने ये सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ है। हर किसी को मुख्यमंत्री बनना है भाजपा कांग्रेस के भीतर, तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इस राज्य को लगातार नुकसान पहुँचा रही है, इस राज्य को बर्बाद कर रही है, इस पूरे पहाड़ को तबाह कर रही है। हम शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, हम रोज़गार से वंचित हो रहे हैं, हम हमारे गाँव के गाँव वीरान हो रहे हैं, हमारे गाँव के गाँव जो है खाली हो रहे हैं, उन पर ताला पड़ रहा है, हम जंगली जानवरों की मार झेल रहे हैं। ये उनके लिए एजेंडा नहीं, उनके लिए किसी भी तरह खुद को सत्ता में लाना और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये थे इंद्रेश मैखुरी जी, जिन्होंने ETV भारत के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। श्रीनगर से विनय भट्ट, ETV भारत।